हे गाइस, स्वागत है आप सबका फोर्थ एपिसोड ऑफ पोकेमोन डार्क फायर। तो गाइस, लास्ट एपिसोड में हम लोग बन चुके थे चैंपियन ऑफ ग्रिंडाले विलेज, जो हम लोगों ने जस्ट लाइक ग्रिंडाले विलेज की जो कि काइंड ऑफ अ चैंपियन बोल सकते हैं, रोज को हरा के हम लोगों ने इस सिटी या फिर इस जो भी विलेज है यहाँ के जस्ट लाइक ये बन चुके थे चैम्पियन। तो आज के इस एपिसोड में हम लोग आगे की स्टोरी कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आगे की जस्ट लाइक जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। हम लोग अभी आ चुके हैं रूट 10 पे। यहाँ पे हम लोगों को आगे पिनलीफ टाउन मिलेगा, एक और छोटा टाउन है यहाँ पे आई गेस। सो सम पीपल थिंक दिस इज़ द रिवर, बट इट्स नॉट, इट्स द सी। आइदर वे इट लुक लाइक आई विल नीड सर्फ टू गेट अक्रॉस। ओके, लेट्स सी। हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि ओके, यहाँ पे हम लोगों को अगर ये पार करना होगा तो हम लोगों को सर्फ लगेगा। एंड लास्ट एपिसोड में हम लोगों को आई गेस अभी तक एक ही TM मिला था, जो भी था, TM नहीं, HM मिला था आई गेस लास्ट के एपिसोड में। लेट मी सी, हम लोगों को एक रेयर कैंडी भी मिल चुकी है, क्या पता कभी मिली। लेट सी, हम लोगों को कट मिल चुका है गाइस, हम लोगों को कट सिखाना पड़ेगा किसी पोकेमोन को। बट फिलहाल तो हमारे पास एक ही पोकेमोन है, तो दैट मीन्स आज के एपिसोड में हम लोग हमारा सेकंड पोकेमोन पकड़ने वाले हैं, जो कि हम लोग हमारे पार्टी में ऐड करेंगे। ये कौन है? हेलो, वी जस्ट फिनिश स्टॉकिंग ग्रेट बॉल्स इन साइड अवर शॉप, हियर इज़ अ फ्री सैम्पल। थैंक्स अंकल या फिर आंटी, आप जो भी हो। गो इन साइड अवर शॉप इफ़ यू वुड लाइक टू टेक अ लुक एट अवर वेयर्स। ओके, लेट्स सी, लेट्स चेक। यार, एक फ्री सैम्पल दिया है गाइस। आपको पता है फ्री सैम्पल से जस्ट लाइक एडवर्टीजमेंट का एक बेस्ट तरीका होता है, जिससे आप, जैसे कि आपने, आप अभी देख लो ना, मैं फंस गया इनके एडवर्टीजमेंट में, मतलब फंस नहीं गया बट फिर भी अच्छा है, मतलब एक तरीका हो जाता है कस्टमर अट्रैक्ट करने का। यहाँ पर इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं, यहाँ पर स्मोक बॉल भी परचेज कर सकता हूँ। और आप लोग कमेंट्स में, आप लोग जिस लाइक सब बताते रहते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऐसे ही कमेंट्स करते रहना। यहाँ पे फ़िलहाल तो हम लोगों को स्मोक बॉल की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि गाइज हमारे जो ईवी की एबिलिटी है फेड अवे, उससे हम लोग किसी भी वाइल्ड बैटल को आराम से रन कर सकते हैं, भले वो कोई भी जिस लाइक कितनी भी लेवल ज़्यादा वाला पोकेमोन हमारे सामने क्यों ना आ जाए। यहाँ पे एक राइल्स मिलेगा, एंड इसके बारे में भी आप लोगों ने मेरे को बता दिया था, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। बट फिलहाल तो हम लोग राइल्स को हमारी टीम में पकड़े कि नहीं, आपने बता दिया था कि यहाँ पे जो दादी माँ या फिर जो भी अंकल है ये, इनके पीछे वाले घास में मेरे को राइल्स मिलेगा। तो थैंक यू गाइज आपको बताने के लिए। फॉर मी लाइफ हैज़ ऑलवेज बीन द बेस्ट लिविंग इन दिस स्मॉल विलेज। आई ओनली विश आई कुड सी माई ग्रैंड सन मोर ऑफन। ही वर्क्स एज अ पोकेमोन रिसर्चर एट द गवर्नमेंट ऑफिस इन यूनियन सिटी। ओके, आई डोंट गेट टू सी हिम मच। ओके, अगर मैं वहाँ पे गया तो आपकी जस्ट लाइक ग्रैंडसन से ज़रूर बात करूँगा। लेट्स सी, यहाँ पे कौन सा पोकेमोन आ रहा है? ओके, यहाँ पे राल्स ही मिलता है हम लोगों को। इस बार एक मेल राल्स आ चुका है हमारे सामने। लेट्स सी, इसका पहले तो हम लोग अटैक गिरा देंगे, और ये हमारा भी अटैक गिरा रहा है। अगर ये मेरा क्विक अटैक सर्वाइव कर गया, जो कि इसने कर लिया, तो ये हमारी टीम में आने के लायक है। बट गाइज हाँ, एक ही पोकेबॉल है। लेट्स सी, अगर ये आ गया तो ठीक है। ओके, फाइनली गाइज हमारे पास हमारे टीम में हमारा दूसरा मेंबर आ चुका है, जो कि होने वाला है राल्स। इसको भी हम लोग नाम देंगे। लेट्स सी, इसका नाम क्या दे सकता हूँ मैं? इसका नाम हम लोग देंगे, देखो ये गाइज इवॉल्व तो होने वाला ही है ना, तो इसको हम लोग बुलाएंगे, एक मिनट आई गेस, इसका नाम देंगे अल्ट्स। हार हटा देंगे बस, एक मिनट, ये कैपिटल नहीं होनी चाहिए, ये कैपिटल नहीं, हाँ चलेगा, चलो कैपिटल होने से नहीं होने से क्या फ़र्क पड़ता है ना। अल्ट्स, हम लोग राल्स का नाम देंगे अल्ट्स, जो कि काफ़ी कूल नाम भी सर जस्ट लाइक साउंड कर रहा है। ओके, तो हम लोग पहले तो जाके अभी पोकेमोन हील कर लेंगे, एंड लेट्स सी क्या ये हमारा बंदा कट सीख सकता है, क्योंकि फिर इसको पकड़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता। लेट्स सी, होपफुली ये सीख पाएगा। जी नहीं, ये भी नहीं कट सीख सकता, तो हम लोगों को एक और पार्टनर हमारी टीम में पकड़ना पड़ेगा। बट गाइस आई गेस हम लोग जो तीसरा पार्टनर अभी पकड़ने वाले हैं, वो हमारी टीम में टेम्प्रेरी रहेगा, क्योंकि मेरे को नहीं लगता हम लोगों को जस्ट लाइक उसको पकड़ना चाहिए। बट फिर भी मेरे को सिर्फ एक HM स्लेव चाहिए पोकेमोन, जस्ट लाइक जो मेरे HMs को कैरी करेगा। यहाँ पे तो आई गेस राल्स ही मिलेंगे, तो यहाँ पे हम लोगों को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जाएंगे यहाँ पे, जो कि आई डोंट नो यहाँ पे क्या हो रहा है। लेट्स सी, ये तो वो स्कूल था। हाँ, यहाँ पे देख सकते हो, ये एक जस्ट लाइक स्केयर क्रो की तरह खड़ा किया है,
ग्रासेस में। और हाँ, आप लोगों ने मेरे को बोला था कि सनफ्लावर के यहाँ पे एक पोकेबॉल छूटी है। लेट्स सी यहाँ पे सनफ्लावर कहाँ पे थी, आई डोंट रिमेम्बर फर्स्ट ऑफ ऑल। तो लेट्स सी, हम लोगों को थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। रूट 4, इनके साथ तो बैटल हो चुकी थी मेरी। यहाँ पे सनफ्लावर, ओके, आप लोगों ने बताया था। एक मिनट, ये कौन है? अच्छा, ये मरीप है। ओ, सीधा बैटल लेवल 8 की है। इसको मैं जरूर टीम में ले लेता, बट क्या करूँ यार, कोई दूसरा पोकेमॉन मेरे को पकड़ना है, तो मरीप को फ़िलहाल तो नहीं। ओके, वो चली गई, लिटरली चली गई। यहाँ पे आप लोगों ने बताया था कि ओके, मिल गया वो पोकेबॉल। अच्छा, वो पोकेबॉल पोकेबॉल मतलब पीपी अप था। ओके, तो गाइस थैंक यू फॉर योर जस्ट लाइक क्या बोल सकता हूँ, एकदम अच्छा जस्ट लाइक नज़र के लिए। यहाँ पे तो ये डे केयर सेंटर था, हम लोगों को यहाँ से कट करके यूज़ करना है, मतलब कट यूज़ करके जाना होगा। यहाँ पे भी बहुत सारे ये हैं, मारी पे हम लोग आई गेस कोई ना कोई तो पकड़ ही लेंगे। यहाँ से एग्जिट है क्या? हाँ, ये याद आया, लास्ट एपिसोड में मैं यहाँ पे आया था। लेट्स सी यहाँ पे कौन से पोकेमॉन मिलते हैं। ओके, हॉपी पाई गेस, हॉपी को मैं पकड़ सकता हूँ। ये फ्लैश भी सीख सकता है, कट भी सीख सकता है, तो आई गेस हम लोग इसको क्विक अटैक ही सर्वाइव कर गया। ओके, कर गया। अरे अरे, सिंथेसिस यूज़ कर रहा है ब्रो, ठीक है, कोई बात नहीं। लेट्स गो विद ग्रेट बॉल। अरे नहीं नहीं नहीं, ग्रेट बॉल आई गेस। चलो, आई गेस हमारा ये HM स्लीव तो पकड़ में आ गया है। इसको नाम नहीं दूंगा क्योंकि ये हमारे टीम में ज़्यादा देर तक नहीं रहने वाला, मतलब रहने तो वाला है, बट इसको हम लोग बैटल में यूज़ नहीं करेंगे। हम लोग जस्ट लाइक 5 पोकेमॉन की टीम एकदम परफेक्ट बनाएंगे और इसको लेट्स होपफुली हम लोग ये सीख सकते। अरे यार, ये भी नहीं सीख सकता, कैसा पोकेमॉन है यार, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पोकेबॉल्स ख़त्म हो गए फिर। ओके, यहाँ पे एक सुपर रिपेल मिला, यहाँ पे हम लोगों को कट की ज़रूरत है। मेरे पास एक लग्जरी बॉल ही है, होपफुली यहाँ पे कोई अच्छा पोकेमॉन आ जाए जो कट सीख सकता है। अरे रे एब्रा, ये कट नहीं सीख सकता, ये सीख सकता है। ओके, रोजेलिया, ये तो कट सीखनी। और ये कितनी ओपी पोकेमॉन है, अगर इसको मैं पकड़ लिया ना गाइस तो क्विक अटैक सर्वाइव कर जा ब्रो। ओके, सर्वाइव कर गई। इसको अगर मैं पकड़ लिया ना तो ये मेरी टीम में परमानेंट मेंबर भी बन जाएगी, बट होपफुली एक ही पोकेबॉल है उसमें आ जाएगी तो अच्छी बात है, जो कि नहीं आई। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग फेड का रन अवे कर लेंगे। एंड यहाँ पे फ़िलहाल तो हम लोग ऊपर जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे बैटल हो गई थी इसके साथ। हाँ, हम लोगों को यहाँ से बाहर निकलना है। एंड अभी पहले तो जाके पोकेबॉल्स ख़रीदने पड़ेंगे, फिर उसके बाद ये हॉपी को जमा कर दूंगा मैं पीसी में। इसको तो मैं जैसे एक लेआउट में भी नहीं दिखाने वाला, गलती से इसको पकड़ लिया यार, मेरा एक पोकेबॉल वेस्ट हो गया इसके ऊपर, बट ठीक है, इट्स नॉट अ बिग डील। वैसे भी हम लोग इतने भी जैसे लाइक पोअर नहीं है इस गेम में। पहले पोकेमॉन हील कर लेते हैं। ओके गाइस, हम लोगों ने पोकेमॉन हील कर लिया है और यहाँ पे हम लोग हमारे पीसी में इस हॉबी को जमा कर देंगे। ओके ब्रो, सी यू, बाय, हैव अ ग्रेट टाइम। ऐसा नहीं है मैं तेरे को कभी देखने नहीं आऊँगा, बट हाँ, मैं पीसी में जस्ट लाइक वेरी ऑफन चेक करता ही रहता हूँ मैं। अभी तो यहाँ पे ये स्टोर है इनका, इसमें स्टोर का काफ़ी अलग कलर है, जिस लाइक पहचानने में नहीं आ सकता। हम लोग ग्रेट बॉल ख़रीद लेते हैं, हम लोग ख़रीद लेंगे। अरे यार, कितने महंगे बेच रहे, 600 की होते हैं ना आई गेस ग्रेट बॉल। नॉर्मल पोके बॉल नहीं यूज़ करते क्या? स्मोक बॉल से क्या होता है जस्ट लाइक, हाँ ये तो पता ही है। ओके चलो, लूट लो, 2 ग्रेट बॉल पकड़ लेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा पैसे नहीं है हमारे पास, वी आर पुअर गाइज। ओके, होपफुली कोई अच्छा पोकेमॉन आ जाए जिसको हम लोग पकड़ लेंगे और उसको आई गेस कट सिखा के हम लोग आगे की जर्नी कंटिन्यू कर लेंगे आज के एपिसोड में। तो यहाँ पे मैंने आई गेस सबके साथ तो बैटल कर ही ली थी, यहाँ पे एक बार चेक कर लेता हूँ यहाँ पे कोई अच्छा पोकेमॉन मिल जाए शायद से। हॉपी ब्रो, नहीं, तेरे को पकड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तू कोई कुछ अटैक ही नहीं सीख सकता, तो क्या फ़ायदा उसका। एब्रा ब्रो, तेरा भी कुछ काम नहीं है यहाँ पे। लेट्स सी, प्लीज़ कोई दूसरा नया पोकेमॉन। अरे रे, यहाँ पे डबल पोकेमॉन आते भी है, चलो कोई बात नहीं। फिर से आई गेस यहाँ पे बस हॉपी पे मिलते हैं, हम लोगों को नहीं चाहिए हॉपी, आई डोंट लाइक।
ओके यहाँ पे बैटल आ रही है, ठीक है चलो कर लेते हैं। लोटेड पहले टेल बीप और फिर आएगा हमारा, यही काम कर जाएगा, टैकल ही काफ़ी है इसके लिए। चलो वी हमारा हो चुका है 16 लेवल का और ये फैन पे यूज़ करने वाला है, तो फैन पे के ऊपर मैं आई गेस पहले राल्स अर्ल्स को रखूँगा और फिर उसको चेंज कर दूँगा जैसे कि उसको भी थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलेगा। ये थोड़ी बैटल हार्ड होने वाली है, पहले मैं इसको राउंड आइज से जस्ट लाइक अटैक गिरा देता हूँ। ओके ये अपना डिफेंस बढ़ा रहा है, क्विक अटैक, ओके ये मेरा अटैक गिरा भी रहा है, चलो कोई बात नहीं, अर्ल्स को भी काफ़ी एक्सपीरियंस मिला। चलो आगे जाएंगे यहाँ से, यहाँ पे काफ़ी अच्छे पोकेमॉन मिलते हैं बाय द वे, एब्रा और हॉपी, यार दोनों पोकेमॉन सेम ही हैं, मेरे को दोनों नहीं चाहिए फ़िलहाल तो नहीं चाहिए। अरे यार एक मरी, प्लीज़ कोई तो ऐसा पोकेमॉन मिलो जिसको मैं सिखा सकता हूँ कट मूव। आई गेस हम लोगों को आगे ही जाना पड़ेगा सीधा, हम लोग उस विलेज में नहीं, उस जस्ट लाइक काइंड ऑफ फॉरेस्ट में जाके चेक कर लेंगे। यहाँ पे आई गेस इन लोगों के साथ बैटल कर चुका हूँ मैं, तो मेरे को यहाँ पे डरने की ज़रूरत तो नहीं है। हम लोग आ चुके अहिम फॉरेस्ट में, यहाँ पे आगे जाके अहिम ये भी है आई गेस। सो मैं यहाँ पे खो गया था लास्ट एपिसोड में, कैटरपी नहीं सीख सकती कट आई गेस। यहाँ पे चेक करेंगे, यहाँ पे मैंने ये बैटल अवॉइड की थी, यहाँ पे बस बक्स पोकेमॉन ही मिलेंगे क्योंकि अहिम फॉरेस्ट जस्ट लाइक विरिडियन फॉरेस्ट जैसा ही है। ओह यहाँ पे कुछ तो जस्ट लाइक इवेंट हो रहा है, वेयर डिड दैट बीड्रल गो। एक मिनट ये कौन था, लास्ट टाइम हम लोग इस घर में घुस नहीं सकते थे बट आज घुसेंगे, लेट्स सी। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ्रिज है, सिंक वगैरह काफ़ी अच्छा है, ये सीट ऐसे अलग से क्यों रखी है। पेंटिंग सम ब्यूटीफुल लैंडस्केप आर्टवर्क इज ऑन डिस्प्ले, ओके ये क्या कैलेंडर और ये क्या लैम्प, ओके यहाँ पे एक ऊपर जाने का स्टेयर्स है, लेट्स सी। मड़ी अंडर प्रे, ये क्या है भाई, यहाँ पे कोई पोकेमॉन में मिल सकता है हम लोगों को, आई गेस सो। इस घर के पीछे एक पूरे की पूरा गुफा है, पूरी की पूरी है, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जियो डूड हम लोगों को नहीं चाहिए बट हाँ इसका लेवल थोड़ा ज़्यादा ही है, ये तो मानना पड़ेगा। अरे रे जूबैट सीख सकता है क्या कट, आई डोंट रिमेम्बर। यहाँ पे एक और सीढ़ी है, चलो इसका यूज़ कर लेंगे। ओ ये एक सीक्रेट, ये तो म्यूज़ियम में जाने का रास्ता है। हे यू व्हाट ऑन द अर्थ आर यू डूइंग हियर, सॉरी एक्वा, टीम एक्वा का सिग्नल आया, सुबो थक चाड़ो क्या, आई डोंट रिमेम्बर इनका नाम क्या है, रिमेंबर क्या पता ही नहीं चल रहा है। टेल व्हीप से मैं इसका अटैक गिरा देता हूँ, अटैक नहीं डिफेंस गिरा देता हूँ और टैकल आई गेस, ओके चलो वन शॉट किल हो रहा है यहाँ पे, काफ़ी अच्छी बात है। गार्ड्स वी हैव अ ट्रबल, हेल्प मी गेट दिस किड आउट ऑफ इमिडिएटली। ओह हमको फिर से बाहर फेंक दिया, बट कितने गधे हैं ना। अरे रे व्हाट द गार्ड्स वी हैव अ प्रॉब्लम, यू आर कमिंग विथ मी किड। अरे यार ये लोग मतलब देख लेते हैं तो जस्ट लाइक बाहर फेंक देते हैं क्या, मेरे को इनकी नज़र चुका के व्हाट द, अरे यार ये फिर से देख लिया। चलो मैं बहुत स्टबन बंदा हूँ, मैं रुकने वाला नहीं हूँ, मेरे को बस इसकी नज़र चोरी 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 करके जाना है जिसमें मैं माहिर हूँ गाइज एज आई सेड। ओह यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है बट कोई बात नहीं। अरे इसने फिर से देख लिया, फिर से जाएंगे, इस बार मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा गाइस ट्रस्ट मी। अरे देख लिया इस, अरे अच्छा इसके साथ बैटल करनी है, ओके लेट्स सी। ये इसके साथ अभी तो किया था मैं आई गेस, फिर से कर रहा है ये बंदा टैकल, चलो कोई बात नहीं एक्सपीरियंस तो मिल रहा है हम लोगों को। समझा मेरे को इसके साथ मतलब यहाँ पे मेरे को किसी के साथ बैटल नहीं करनी है, जस्ट लाइक मेरे को यहाँ पे सबको अवॉइड करके आई गेस सो जाना है आगे। तो मैं काम करूँगा जब ये बंदा चला जाएगा यहाँ से तो मैं निकल लूँगा यहाँ पे। तो ये अभी ये मेरे को नहीं देख रहा है, हम लोग यहाँ से यहाँ तक आ चुके हैं, बस चुपचाप निकल लो यहाँ से पतली गली से।
यहाँ पे, अभी यहाँ पे आ चुका हूँ मैं, और ये यहाँ पे नहीं देख रहा है, तब तक मैं निकल लेता हूँ। अरे यार फिर, अच्छा समझ गया समझ गया, मेरे को यहाँ पे ज़्यादा वेट भी नहीं करना है, और ये बैटल करेगा मेरे से, और इसको हराने के बाद ये सीधा बोलेगा गॉड्स वी हैव अ प्रॉब्लम। काफ़ी अजीब है बट ठीक है, क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हम लोग इस, काफ़ी गेम तो अच्छा है मैं मान लेता हूँ ये। चलो यहाँ इसको हराने के बाद भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला मेरे को। हाँ हाँ पता है पता है, फेंक दो फिर से हम लोगों को बाहर। यार क्या पता ये कब मैं जाके जैसे लाइक सीखूँगा। अरे फिर से नहीं, क्या कर रहा हो यार ओमकार, इस बार मेरी गलती थी मैं मान लेता हूँ, क्योंकि इस बार मेरे से गलती से फास्ट फॉरवर्ड का बटन दब गया था। देखो इस बार तो सर्वाइव भी कर गया वो। फेंक दे भाई फिर से बाहर फेंक दे, होपफुली इस बार हम लोग कर लेंगे प्लीज़। मैं क्या कर रहा हूँ, ये गेम छोड़ देता हूँ मैं, काहे कर रहा हूँ मैं काहे। चलो कुछ तो अच्छा हुआ, वी हमारा 17 का हो गया और बाइट सीख रहे हैं। बाइट काफ़ी अच्छा अटैक है, टैकल तो रहने देता हूँ। टेल विप, अरे टेल विप नहीं हटाना था यार उससे, जस्ट लाइक काम आ रहा था बट ठीक है कोई बात नहीं। और वी स्विफ्ट भी सीख रहा है, स्विफ्ट भी काफ़ी अच्छा अटैक है बट क्या करूँ क्या करूँ, स्विफ्ट किसको हटा, क्विक अटैक तो नहीं हटा सकता, टैकल भी नहीं हटा सकता, क्या करूँ, टैकल तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग अटैक है और ये स्पेशल अटैक है। चलो स्पेशल अटैकर तो नहीं हमारा, तो स्विफ्ट नहीं सिखा देता मैं। हाँ निकाल दो फिर से फेंक दो बार, इस बार मैं बहुत आसान मतलब जस्ट लाइक चोरी छुपे जाऊंगा गाइस, डोंट वरी, इस बार वो नहीं पकड़ पाएगा मेरे को। बस लाइक मेरे को यहाँ पे आना है, यहाँ से इधर निकल लेना है। ओह इस बार मैं लिटरली बच के आ गया यहाँ पे, मेरे को बस यहाँ पे थोड़ी देर वेट करना है, इंतज़ार करना है। ये इस साइड तो नहीं देखता ना, ओके वो मैं लिटरली बच के आ गया फाइनली, हुर्रे, गेट आउट गेट आउट, देयर आर डेविल्स, वेल वेल वेल, व्हाट डू यू थिंक यू आर डूइंग पंक, आई थिंक इट्स बेस्ट फॉर यू टू गो एंड टेल द बॉस एग्जैक्टली व्हाई आर यू हियर। ओके आई कैन टेल, रटेटा यू स्टैकल नाउ, ओके प्रेसिडेंट, ओके प्लीज मेक इट स्टॉप, आई विल टेल यू वॉट मिस्टर प्रेसिडेंट, आई विल मेक इट स्टॉप वेन यू गिव अस योर क्लासीफाइड रिसर्च नोट, आई कांट आई रियली कांट, इफ दीज नोट्स गेट इन टू द रॉन्ग हैंड्स पोकेमोन कुड एनस्लेव अस ऑल, रटेटा यू सुपर फैंग। अरे पोकेमोन्स को ह्यूमंस के ऊपर अटैक करने क्यों बोलते हैं, ओके ओके जस्ट इट स्टॉप इट, ओके देयर वॉजंट सो हार्ड नाउ वॉज इट, रटेटा रिटर्न, स्पिट इट आउट इडियट, प्रेसिडेंट बोल रहे हैं, देर इज़ अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर्थ ऑफ द अहिम फॉरेस्ट, ही हैज़ ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू आर लुकिंग फॉर, नॉर्थ ऑफ अहिम फॉरेस्ट, इन दैट केस वी विल क्लियर द ब्रिज, ओके वही ब्रिज जहाँ पे जस्ट लाइक हम लोग आगे नहीं जा सकते थे, जहाँ पे स्पिनरैक ने पूरा वो जस्ट लाइक अंडे डाल के रखे थे। इट सीम्स वी हैव अ स्पेक्टेटर, ओ मी राइट, मेरा नाम जानता है, हाँ डोंट फील अलार्म्ड, I have eyes in every dark corner of this region. Okay, मैं famous हूँ guys. In fact, I guess मैं champion बन गया था ना last episode में, इसलिए ये जानता है मेरे को. In fact, I have been watching you battle for a while, Omi. Do you really think you managed to get here without alerting any of men? Wrong. I purposely told my colleagues where to alert you in Ahim Forest so you could find us here. Okay. हाँ मतलब starting में जो वो बाहर आया था, I guess वो जानबूझ के आया था. Anyway, here we are. Welcome to the Subo territory. Your battling talents are quite extraordinary, Omi. In all honesty, with those skills, you could fit right in with the Subo. Okay. What is that you desire most? Power, fame, riches? I can provide all of that you. Oh, who I am? The leader, the chief operative of the infamous and everlasting Subo. Okay. Subo part, secure underground battling organization. Okay. I kind of like this kind of, मतलब मेरे को तो सुबो पसंद आ रही है गाइस,
वी आर द टॉक ऑफ द टाउन राइट नाउ, साउंड स्केरी राइट? इट्स नॉट सपोज टू. वी आर जस्ट अ ग्रुप ऑफ लाइक माइंडेड पीपल हुज एक्टिविटी डू नॉट फिट इन टू एनी साइकनिकल मैन मेड पैराडिम ऑफ मॉडर्न मॉरल्स एंड एम्पथी. ओके, वाई? बिकॉज मॉरल्स एंड एम्पथी आर साइंस ऑफ वीक. ऑल दो मेरे को एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरे से बैटल मत कर, मेरे पोकेमॉन हील नहीं है और बेचारा अर्ल्स तो कुछ कर भी नहीं पाएगा. ओके, ऑल थ्रू आउट हिस्ट्री द वीक हैव ऑलवेज पेरिश्ड एंड ओनली द स्ट्रॉन्ग हैव सर्वाइव्ड. ओके, द लायन इट्स डियर, डियर इट्स बर्ड. कौन बोला? द बर्ड इट्स द वॉर्म. टेंजो पॉलिटिशियंस लाइक टू रेफर द देम सेल्फ एज अ रोरिंग लायंस. ओके, येट वी डिवोर लायंस. ओके, वी विल कंट्रोल द माइंड्स ऑफ पीपल एंड यूज देम ऑल एज अवर टूल्स. ओके, एंड मिस्टर प्रेजिडेंट हियर विल हेल्प अस टू डू जस्ट दैट. ओके के बे टोमी, वी विल बी वॉचिंग यू. ओके, फाइनली इन लोगों ने मेरे साथ बैटल तो नहीं की, उल्टा इन लोगों ने मेरे को प्रेज करके गए कि यार तू अच्छे काम करते रहे, हम लोग तेरे ऊपर नज़र रखेंगे. वट वॉज दैट? ओ नो, द रीज़न इज इन टर्मोइल. ओके, हाउ विल आई एवर शो माई फेस टू द इनोसेंट पीपल ऑफ टेंजो रीजन? वट्स वर्स, द ग्रुप आर ऑन देयर वे टू स्टील माई क्लासीफाइड नोट्स. वंस दे गेट अ होल्ड ऑफ दीज, हेल इट सेल्फ विल मैनिफेस्टेड बिफोर अवर आइज. ओके, क्विकली प्लीज कम विथ मी बैक टू माई ऑफिस. ओके गाइज, हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं. आई गेस अभी एक कुछ तो काम देने वाले हैं प्रेजिडेंट ओमी. एज द सुबो सेड, दे हैव गोन टू द नॉर्थ ऑफ द अहिम फॉरेस्ट. आई नीड यू टू गिव चेज टू देम एंड स्टॉप देम फॉर स्टीलिंग माई नोट्स. विल यू डू? नो, टेंजो विल बी ड्रूम अदरवाइज. आई विल सेंड सपोर्ट वेन एवर आई कैन. ओके, आई गेस हम लोगों को यस ही करना पड़ेगा. थैंक यू, आई एम काउंटिंग ऑन यू. आई विल सेंड सपोर्ट वेन एवर आई कैन. ठीक है. हेलो, इट इज़ अ क्वाइट चिलिंग दैट थग्स वेयर रनिंग ऑन ऑपरेशन अंडर द सिटी. देखो, इसको कुछ पड़ी ही नहीं है, पूरी सिटी मतलब लाइक के ऊपर वो लोग कंट्रोल करने वाले हैं और ये बोल रहे हैं कि काफ़ी अच्छी बात है, वो लोग काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ तो बोला वो. ओके गाइस, हम लोग आ चुके हैं यूनियन सिटी में. यहाँ पे पोकेमॉन सेंटर कहाँ पे था? ओके, यहाँ पे. एंड तो आई गेस गाइस हम लोग आज के एपिसोड को यही बंद करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग जाने वाले हैं अहिम सिटी के ऊपर वाले साइड में, जहाँ पे जस्ट लाइक वो स्पिनराइक ने अंडे डाल के रखे थे, जस्ट लाइक अंडे लेकर रहे थे वो लोग, तो हम लोग वो एक्सेस नहीं कर सकते थे, लेकिन आज के मतलब कल के एपिसोड में हम लोग वो कर लेंगे. एंड अगर आपने आज का वीडियो अभी तक यहीं तक देखा, मतलब अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, तो थैंक यू एंड आई होप आपका दिन शुभ हो. तब तक के लिए टाटा बाय बाय.